सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संदीप रॉय और आज मैं आप सभी को मेरी लाइफ के साथ जोड़ने जा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। और मेरा ये जो चैनल है उन सभी के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम बड़ा है, जिनका गोल बड़ा है। और मैं आप सभी को ये बता दूँ कि मैं अभी यूके में हूँ। अगर आपको मेरी पूरी जर्नी समझनी है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर आना है या फिर किसी और कंट्री में जाना है, कोई भी अब्रॉड कंट्री हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कनाडा हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है, तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझना होगा। तो मेरी जो पूरी जर्नी है वो मैं आपको दो तरीके से समझाऊँगा कि मैंने पास्ट में क्या किया था यहाँ पर आने के लिए और प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ ताकि मैं जो सक्सेस है उसको पा सकूँ। मैं ये भी बता दूं कि जब मैं इंडिया में था मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखता था ये समझने के लिए कि यहाँ पे आना कैसा है, बट जब मैं यहाँ पे आया, आने के बाद जो एक्सपीरियंस किया वो ग्राउंड रियलिटी मैं 100% नहीं बोलूँगा बट 50-60% डिफरेंट था। हो सकता है कि वो कहीं और जगह पर रहते जहाँ पर उनका एक्सपीरियंस अलग हो और मैं कहीं और हूँ जहाँ पर मैं एक्सपीरियंस कुछ अलग कर रहा हूँ, ये हो सकता है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर जो जर्नी है आप इंडिया से शुरू करते हो वो सबका स्टोरी एक होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया हो या पाकिस्तान हो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो, कहीं से भी आप जो एशियन कंट्री जहाँ से आप जर्नी शुरू करोगे वहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो सेम होगी, यहाँ पे आने के बाद चीज़ें बदल जाएगी। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे यूट्यूब चैनल कुछ गलत बोल रहे थे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल थोड़ा सा अलग इसीलिए होगा क्योंकि मैं आपको ईच एंड एवरी डे का स्ट्रगल बताऊंगा यहाँ से नहीं इंडिया से। तो मैं आपको ले चलूँगा मेरे पास्ट लाइफ में जहाँ पे मैंने सारे चीज़ रिकॉर्ड करके रखे, मैं इंडिया में एक एक दिन क्या क्या स्ट्रगल किया हूँ यहाँ पे आने के लिए, और उसके साथ साथ ये भी बताते जाऊँगा कि मैं यहाँ पे जब पहुँचा मुझे क्या फ़ील हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ और मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्योंकि आप ये खुद ही सोच सकते हो कि अगर आप अपने होम कंट्री में हो, वो इंडिया हो सकता है, वो नेपाल हो सकता है, वो बांग्लादेश हो सकता है, वो पाकिस्तान हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकता है, मुझे यही लगता है कि यहाँ पे आने के एक्सपीरियंस के पहले आपको अपने होम कंट्री से शुरुआत कैसी करनी है इसका एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पे आने के बाद हो सकता है सबका एक्सपीरियंस अलग हो, पर जो पूरा प्रोसीजर अपने होम कंट्री से शुरू होता है वो सबका नॉर्मली सेम रहने वाला है, तो वो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी यूनिक होगा जो आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा, और मैं आपको इसी तरह से समझाऊंगा कि मेरी जो लाइफ में सारी चीज़ें चल रही है वो पास्ट में कैसी थी और प्रेजेंट में कैसी है, एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, अच्छा है या बुरा है, वो सारी चीज़ मैं आपके लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी लगेगी और आप मेरे लाइफ के साथ जुड़ोगे। आपको मेरे चैनल के साथ नहीं, आपको मैं अपने लाइफ के साथ जोड़ने जा रहा हूँ, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिलता रहे। एंड नेक्स्ट वीक से सारे वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा और आपको मेरे लाइफ के साथ और भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते चले जाऊँगा। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।